हाउ टेक्नो गेमर्स हैक यूट्यूब एल्गोरिथम फॉर हिज ग्रोथ। तो यार तुम लोग जो है ना बहुत गेमिंग पे वीडियोस बनाते होगे लेकिन व्यूज़ आते नहीं होंगे। तो पहले तुम्हें चीज़ों को समझना होगा कि लोग बड़े गेमर्स जो हैं वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो यूट्यूब पर ग्रो हो पा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे टेक्नो गेमर्स ने अपने यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो करा ज़ीरो से लेके 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक। तो इसके लिए ना दो बहुत बड़े रीज़न हैं जिसकी वजह से टेक्नो गेमर्स की ग्रोथ हुई। तो रीज़न जानने से पहले हमें चैनल को अच्छे से एनालाइज करना होगा। तो मैं आपको पहले चैनल के बारे में सारी डिटेल्स बताता हूँ। तो टेक्नो गेमर्स ने अपना चैनल 2018 के सितंबर में स्टार्ट करा था और 2018 के सितंबर से 2020 की जनवरी तक उनके सिर्फ 50,000 सब्सक्राइबर्स ही हुए थे। अगर आप लोग इस टाइम से देखें 2018 से 2019 तक सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर्स, जो कि एक साल में हुए थे लगातार कंटेंट डालने के बाद। तो यही ना हम हार मान जाते हैं, यही हम कंटेंट डालना छोड़ देते हैं जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ हो नहीं पाती। तो पहले तो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से टेक्नो गेमर्स ग्रो हुए, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो, आपको साफ दिखेगा 2018 से 2020 तक चैनल पे सिर्फ 50,000 सब्सक्राइबर्स थे और उसके बाद ये आया एक पीक, जो कि सिर्फ एक साल में उनके 50,000 सब्सक्राइबर्स से 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक उनको लेके चला गया और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चीज़ें अचीव करी। और इस टाइम पे लोग अगर देखेंगे ना तो उनको नज़र आता है कि टोटल गेमिंग जो है वो सबसे बड़े गेमिंग क्रिएटर हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा चीज़ों को संभाल के देखें ना तो आपको पता चलेगा कि टेक्नो गेमर जो है ना वो इंडिया के सबसे बड़े गेमर हैं। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यार, तो इसके लिए जो है ना रीजंस को समझो। टेक्नो गेमर जो है ना उनकी आप पास्ट की जो वीडियो है एक दिन पहले जो उन्होंने अपलोड करी है उसको साइड में ओपन करो, और जो टोटल गेमिंग ने वीडियो अपलोड करी है उसे साइड में ओपन करो। क्या डिफरेंस दिख रहा है ना, यहाँ पर तो 1 मिलियन व्यूज़ हैं टोटल गेमिंग के और उनके 5 से 6 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं इतने टाइम में। तो अगर आप लोगों के पास सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूज़ नहीं आ रहा है ना, तो यार क्या फ़ायदा। टेक्नो गेमर्स के चैनल की यही खास बात है कि उनके चैनल पे जो मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स हैं वो एक एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि बहुत कम लोगों को मिल पाते हैं। तो ऐसा डिफरेंस क्या है टेक्नो गेमर्स के चैनल पे कि उनकी ऑडियंस इतनी ज़्यादा एक्टिव है और वो उनकी सारी वीडियोज़ देखती है। तो इसके पीछे जो है ना एक आती है नीच की बात, और गेमिंग क्रिएटर्स की बात है ना तो वो एक नीच में फंसे हुए हैं। या लाइक आप देख सकते हो टोटल गेमिंग सिर्फ फ्री फायर का कंटेंट अपलोड करते हैं, और हमारे स्काउट हुए, मॉर्टल हुए, ये सब जो है हमारा पबजी मोबाइल की जो है स्ट्रीम या वीडियोस अपलोड करते थे। और जब पबजी मोबाइल बैन हुआ, आप यहाँ देख सकते हो स्काउट और मॉर्टल जो कि पबजी मोबाइल के बिगेस्ट क्रिएटर थे, उनका कैसे डाउनफॉल आना शुरू हुआ। तो गेमिंग में जो है ना नीच का बहुत बड़ा नुकसान है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, तो क्या हम पबजी की वीडियोस डालना छोड़ दें जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। टेक्नो गेमर्स की आप मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखोगे तो वो पबजी मोबाइल की है। तो वो ऐसा क्या डिफरेंस कर रहे हैं कि उनकी और भी वीडियोज़ लोग देख रहे हैं, उसको तुम्हें समझना पड़ेगा। तो उसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाता हूँ जिसमें टेक्नो गेमर्स ने खुद बताया कि वो इस चीज़ से कैसे डील करते हैं। कंटेंट के हिसाब से ऑडियंस बनानी है, पहले मैंने वो करा, फिर धीरे धीरे करते गए। जब ऑडियंस अपने पास आ गई तो फिर जैसे मैं एक गेम से बोर हो गया, पहले मैं एक ही गेम खेलता था ताकि जैसे ट्रैक नहीं, पर ये समझाओ, ये मैं समझा नहीं कि कंटेंट के हिसाब से आपने ऑडियंस बनाई, ये थोड़ा ज़्यादा समझा दो। हाँ, तो सीन कुछ ऐसा था, जैसे अब मैं यही समझाने जा रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने ड्रैगन बॉल जी में खेलता था, जैसे मैं स्टार्टिंग में जब आया था ना यूट्यूब पे तो मैं ड्रैगन बॉल जी खेलता था, तो मैं जब वो डालता गया तो जो लोग मेरे पे थोड़ी बहुत ऑडियंस आई वो सारी थी ड्रैगन बॉल जी फैन, क्योंकि उन्होंने ड्रैगन बॉल जी का वीडियो देखा है, ड्रैगन बॉल जी के लिए उन्होंने मेरे को सब्सक्राइब करा है मेरे को देखने के लिए। तो जब मैं ड्रैगन बॉल जी डाल रहा हूँ, मैं डालता गया, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते गए, 20,000 कुछ सब्सक्राइबर हो गए। तो सीन 4 महीने में मेरे 1,000 सब्सक्राइबर हुए थे वैसे रेगुलर डाल के, बट फिर ऐसे डालता गया ना मैं, तो एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं खुद ड्रैगन बॉल जी से बोर हो गया, अब मैं खुद ही बोर हो गया हूँ तो मैं ऑडियंस को क्या एंटरटेन करूँगा ना।
20,000 सब्सक्राइबर पे मतलब व्यूज आ रहे हैं 1,000, 700 व्यूज, 600 व्यूज, तो मैंने कहा व्यूज आए चाहे ना आए, अब कंटेंट थोड़ा चेंज करना है। जैसे ड्रैगन बॉल जी डालूंगा तो उस पर आ जाते थे 5,000, बट और कोई गेम खेल दूंगा जो मेरा मन कर रहा है उस पर व्यूज आएंगे नहीं। ये स्ट्रैटेजी मैंने सबसे पहले लगाई ऑडियंस को चेंज कराने की। पहली स्ट्रैटेजी मैंने ये लगाई, एक वीडियो डाली ड्रैगन बॉल जी की, फिर बीच में गैप देके एक अलग वीडियो डाल दी मैंने अलग गेम पे जो मेरे को पसंद है। अब कुछ लोगों ने देखी, कुछ को पसंद आई, कुछ को नहीं आई, बट हाँ उसमें से ऐसा होगा ना कुछ तो ड्रैगन बॉल जी वाले होंगे जिन्होंने देखी उसे। फिर मैंने दोबारा ड्रैगन बॉल जी डाली ताकि जिन लोग को ये उम्मीद आई थी कि ये ड्रैगन बॉल जी छोड़ रहा है वो वापस आ जाए। फिर दोबारा से एक अलग गेम डाली, फिर ड्रैगन बॉल जी, फिर दो अलग गेम, फिर एक ड्रैगन बॉल जी। ऐसे कर करके धीरे धीरे ना जिस गेम से मैं बोर हो रहा था ड्रैगन बॉल जी से, क्योंकि मैंने उसे बहुत ज़्यादा खेला था, यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले मैं खेल रहा था, स्टार्ट करने के बाद भी खेला, तो फिर उस धीरे धीरे उस गेम को मैंने साइड कर दिया। और तब तक ऑडियंस भी ऐसी बन चुकी थी कि वो मैं कुछ भी गेम डालूंगा ना वो देखेगी, तब तक ऑडियंस ऐसी बन चुकी थी। तो अब तक तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो मोस्ट ट्रेंडिंग गेम है वो तुम्हें खेलनी है और जो और गेम्स हैं वो भी तुम्हें खेलनी है। तो ऐसे करके ही चैनल ग्रो होता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है जो कि यार लोगों के पास बहुत कम है, वो है स्टोरी टेलिंग, जो कि यार टेक्नो गेमर्स की बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक शायद इंडिया में मिथपैड और टेक्नो गेमर्स के अलावा कोई ऐसा क्रिएटर नहीं है जिसकी स्टोरी टेलिंग और जिसकी वीडियो में बात करने की जो तरीका है वो इतना अच्छा हो। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप यहाँ 1-10 सेकंड की टेक्नो गेमर्स की क्लिप देखो, पूरा का पूरा वहां तक है भाई। ये क्या जगह है या फिर क्या बना रखा है ये इतना ज्यादा बड़ा? और अभी मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, फूड वूड खा लेता हूँ क्योंकि ये लोग सच्ची में बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, मुझे इनसे अभी लड़ना पड़ेगा। वैसे यार देखो मैं डर क्यों रहा हूँ, जब मैं पहले आया था मेरे पास कुछ नहीं था, बट अभी मैं आ रहा हूँ मेरे पास सब कुछ, यहाँ पर नेदरराइट का है और तेरी मैं। इस 10 सेकंड की क्लिप में तुम्हें क्या देखने को मिला ऐसे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें एक डिटेल में बात बताता हूँ जिससे तुम्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो इस 10 सेकंड में टेक्नो गेमर्स ने पूरे 10 के 10 सेकंड बोले हैं, वो बीच में किसी भी टाइम नहीं रुके हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है यार, ऑडियंस की अटेंशन जो है उनसे खींचनी आती है जो कि बहुत से लोगों से नहीं आती, तो इस वजह से लोग और लोगों की वीडियो छोड़ के जाते हैं और टेक्नो गेमर्स की वीडियो को वो पूरा का पूरा फिनिश करके देखते हैं। तो अब ये तो हो गई उनके रेगुलर व्यूज़ की बात, तो जो रेगुलर व्यूज़ उनके आते हैं और जो रेगुलर जो व्यूअर्स हैं उन्हें देखते हैं, तो यार ये नए लोग जो इतने आए हैं ये कहाँ से आए हैं, ये इतने लोग उनको सब्सक्राइब कहाँ से कर रहे हैं? इसके पीछे जो है ना वो है उनका थंबनेल, जहाँ पर आप YouTube पे स्क्रॉल करते टाइम इतने थंबनेल देखते हैं वहाँ पर आपको सब सिंपल थंबनेल देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर टेक्नो गेमर्स का थंबनेल भी कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ डिफरेंस होती है, वो है एक उनका रिएक्शन। वो थंबनेल में अपना रिएक्शन डालते हैं और उस रिएक्शन को ही देख के लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करते हैं। और यूट्यूब पे जो है ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो करती है हाई CTR, जितने ज़्यादा आपकी वीडियोस पे क्लिक्स आएंगे उतना ज़्यादा यूट्यूब प्रमोट करेगा। अब टेक्नो गेमर जो है अपने थंबनेल की उससे लोगों को अपनी वीडियोस पर लाता है और स्टोरी टेलिंग की वजह से लोग उनकी वीडियोस पर रुके रहते हैं। और जो उनके इतने व्यूज़ आने के पीछे है ना वो ये है कि वो एक गेम के पीछे नहीं है, लोग जो हैं उन्हें देखने आते हैं उनकी गेम को देखने नहीं आते, उनकी स्टोरी टेलिंग को देखने उनके चैनल पर आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना तुम्हें समझनी पड़ेंगी, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, जब ही जाकर तुम ग्रो हो पाओगे गेमिंग में। वीडियोस डालना मत छोड़ो और जो है कंटेंट को पे एक्सपेरिमेंट करते रहो, जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गेमिंग टॉक को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसी गेमिंग पे वीडियोज़ आती रहेंगी। तो बस मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।